IAS या IPS officers भारत में कई लोगों के लिए एक ड्रीम करियर है, लेकिन दोस्तों असल में एक officer को मंथली वेतन कितना मिलता होगा और उसके साथ क्या क्या सुविधाएं मिलती है, एक IAS या IPS अफसर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और कौन सा एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। अगर दोस्तों आपका भी सपना है IAS या IPS बनने का तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों UPSC की स्थापना ली कमीशन द्वारा 1924 में की गई सिफारिशों के चलते भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1926 में की गई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 378 में संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ओनल इंडिया लेवल पर IAS, IPS, IRS, IFS, IFOS, IAS, IRS समेत कई पदों पर वैकेंसी निकाली जाती है। वैसे दोस्तों एक IPS या IAS अधिकारी बनने के लिए करना क्या पड़ता है? IAS का पूरा नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और IPS का इंडियन पुलिस सर्विस। अगर आप इन किसी में जाना चाहते हैं तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 21 से 32 साल, वही OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 21 से 35 साल और SSC ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 21 से 37 साल, दिव्यांगजन वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 21 से 42 साल न्यूनतम रखी गई है। अगर हम बात करें शैक्षिक योग्यता की तो भारत, नेपाल, भूटान के ग्रेजुएट उम्मीदवार IPS एग्जाम में बैठ सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री उम्मीदवार के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। अपने अंतिम वर्ष के परिणाम का इंतजार कर रहे अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी भी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि IPS बनने के लिए सिविल सेवा परीक्षा को पास करना होता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से ये परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें तीन स्टेज होते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, इसके बाद मुख्य परीक्षा और अंत में एक इंटरव्यू राउंड होता है। इंटरव्यू में कुछ विशेषज्ञों का एक पैनल उम्मीदवारों से सवाल जवाब करते हैं। IPS के लिए आधिकारिक रूप से जिन्हें चयनित किया जाता है उन्हें 3 साल की प्रशिक्षण की जरूरत होती है। यह प्रशिक्षण भारतीय पुलिस सेवा अकादमी में करवाया जाता है। अब ये सब तो आप जान चुके हैं, लेकिन एक IPS अधिकारी को कितना वेतन और क्या सुविधाएं दी जाती है? IAS, IPS ओ ऑफिसर के तौर पर चुने जाने के बाद इन अधिकारियों की बेसिक सैलरी 1 से 4 साल के लिए 56,100 रुपये होती है। इसके बाद 5 से 8 साल के लिए यह बढ़कर 67,700 रुपये हो जाती है। जब वे सेवा के 9वें साल में पहुंचते हैं तो उनकी सैलरी 78,800 रुपये हो जाती है। वहीं 13 साल की सर्विस पूरी करने के बाद उन्हें 1,18,500 रुपये सैलरी मिलती है। इसी तरह 16 से 24 साल की सर्विस के बाद उन्हें 144,200 रुपये सैलरी मिलती। वहीं जब ऑफिसर 37 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं और कैबिनेट सचिव के समकक्ष रैंक पर पहुंच जाते हैं तो उनकी सैलरी 2,50,000 रुपये तक बढ़ जाती है। सिविल सेवा के लिए चुने गए उम्मीदवारों को सैलरी के अलावा कई सुविधाएं मिलती हैं। IAS और IPS अधिकारियों को प्रमुख शहरों में सरकारी आवास मिलता है। उन्हें ड्राइवर के साथ सरकारी वाहन, अपने परिवार के लिए सरकारी अस्पतालों में मेडिकल सुविधाएं, सुरक्षा कर्मी और बिजली व टेलीफोन बिलों में छूट भी मिलती है। वहीं रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभ भी मिलते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।